अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। क्यों गदर 2 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। लोगों ने शुरू कर दी है गदर 2 के वेलकम की तैयारी। शाहरुख खान ने लिया सनी देओल से पंगा। पर वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर ज़रूर क्लिक करें और दोस्तों इस जॉब अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इस वक्त पूरे भारत देश में एक ही फिल्म की चर्चा हो रही है और वह है गदर 2। अभी सारी इंडियन ऑडियंस बॉलीवुड की हर एक फिल्म को बॉयकॉट कर रही है, लेकिन गदर 2 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और लोग इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि अभी से लोगों ने फिल्म के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हाँ, बहुत सारे गदर फैन तारा सिंह के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर उसके ऊपर फूलों की माला चढ़ाकर उनकी पूजा करते हुए दिख रहे हैं और उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। और अब लोग ये कह रहे हैं कि हम गदर 2 को देखेंगे और उसे एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट बनाएंगे, वो भी ऐसे टाइम पर जब हिंदी ऑडियंस बॉलीवुड को छोड़कर साउथ सिनेमा को पसंद कर रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि बॉलीवुड हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है और उनकी इंसल्ट करता है। वहीं साउथ इंडियन कल्चर को हमेशा अपनी मूवीज में दिखाता है, उसे इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए लोग साउथ मूवीज ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन सनी देओल एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो हमेशा से ही देशभक्ति से रिलेटेड फिल्में बनाते रहे हैं, चाहे वह बॉर्डर हो, माँ तुझे सलाम हो या गदर। इसलिए सनी को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यह एक मेन रीजन होने वाला है गदर 2 के हिट होने का, क्योंकि आजकल ऑडियंस उन फिल्मों को ज्यादा पसंद कर रही है जिसमें देशभक्ति की बात हो, इंडियन कल्चर को दिखाया जाए और इंडियन हिस्ट्री को बताया जाए। ऐसी फिल्मों को ऑडियंस काफी ज्यादा देखना पसंद कर रही है और गदर 2 बॉलीवुड की वह फिल्म है जो इस सिनेरियो में बिल्कुल फिट बैठ रही है। और गदर फिल्म के पास तो इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड भी है। गदर मूवी ने 133 करोड़ की कमाई की थी, वो भी तब जब एक टिकट की कीमत सिर्फ 10 से 15 रुपए की होती थी। अगर आज की डेट में इसे कन्वर्ट करें तो टोटल होता है 750 प्लस करोड़। बॉलीवुड में इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सी के बीच में देओल फैमिली की हाई स्टार है जो किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं है। पूरे देओल परिवार की इमेज एकदम साफ सुथरी है और लोग देओल फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए भी गदर 2 के हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये तो बात हो गई गदर 2 को हिट करवाने वाले रीजंस की। अब आपको बताते हैं कैसे शाहरुख खान ने सनी देओल से पंगा लेकर गलती कर दी। जैसा कि आपको पता होगा कि एक टाइम ऐसा था जब सनी देओल और शाहरुख खान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, क्योंकि डर फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने जो चालाकी की थी उसके चलते सनी काफी बेबस नजर आए थे, जिसके बाद से सनी ने शाहरुख खान के साथ कोई भी मूवी करने से मना कर दिया था। पर डर फिल्म को आज रिलीज हुए 29 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर सनी देओल का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शाहरुख खान ने फिर सनी से पंगा ले लिया है और वो भी अपनी अपकमिंग मूवी पठान के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान की पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने जा रही है, जिसमें वह दमदार कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। लेकिन सनी देओल की गदर 2 को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सनी देओल की गदर 2 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी, यानी कि पठान के रिलीज होने के नेक्स्ट डे, जिससे हमें ये दोनों फिल्मों के बीच में क्लैश देखने को मिल सकता है। और क्योंकि गदर 2 इंडिया पाकिस्तान पर बेस्ड है और देशभक्ति से जुड़ी फिल्म है, एंड 26 जनवरी को पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ेगी और उसके ऊपर से गदर का ब्रांड शाहरुख खान की पठान को ले डूबेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि अभी लोग जहां बॉलीवुड के बड़े स्टार की फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे हैं और शाहरुख खान भी अपने विवादों भरे बयानों की वजह से कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं,
वहीं सनी देओल की गदर 2 को ऑडियंस का फुल सपोर्ट है, लिहाजा पठान मूवी पर भी बॉयकॉट होने का खतरा मंडरा रहा है। और अगर नहीं भी हुआ तो गदर 2 के सामने पठान का टिकना मुमकिन नहीं है। इसीलिए अगर ये क्लैश होता है तो इसमें नुकसान शाहरुख खान का ही होगा। आपका इस बारे में क्या मानना है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए दोस्तों हम लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।